Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाने वाले प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने पहला एनकाउंटर कर दिया है। मारे गए बदमाश की पहचान अरबाज के रूप में हुई है। वह धूमनगंज का रहने वाला था। दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अरबाज के दो साथियों का पुलिस द्वारा मौके से भाग जाना बताया गया है। इस हत्याकांड में माफिया सरगना अतीक अहमद व उसके गुर्गों को नामजद किया गया है। इसके बाद अतीक के दोनों बेटों को जेल भेज दिया गया है। वहीं अतीक की पत्नी शाहिस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। शाहिस्ता परवीन को आशंका है कि पेशी पर लाए जाने के दौरान अतीक के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। बता दें कि बीते दिवस सदन में अखिलेश यादव के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि अतीक अहमद को नेता भी समाजवादी पार्टी ने ही बनाया है। मुख्यमंत्री के इस कथन के बाद शाहिस्ता परवीन की घबराहट साफ देखी व समझी जा सकती है। उधर आज पुलिस ने धूमनगंज में नेहरू पार्क के पास अरबाज को मार गिराया। पुलिस ने दावा किया है कि अतीक के बेटे असद का अरबाज ड्राइवर था। अरबाज ही उमेश पाल हत्याकांड में क्रेटा गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी पहले ही बरामद की है। हत्याकांड के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें अतीक अहमद का बेटा असद, अतीक का करीबी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान और मोहम्मद गुलाम की पहचान हो पाई है, जबकि इस कांड में कुल 7 लोग शामिल थे। यूपी पूरी तरीके से आज बदल चुका है। कभी रहा था अपराधियों व माफियाओं का बोलबाला, लेकिन यशस्वी परम पूजनीय योगी जी के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यूपी के हालात बदल चुके हैं। माफिया व अपराधियों की जगह या तो जेल में है या फिर इस जमीन पर नहीं है। कल ही जनप्रिय योगी जी ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसी कड़ी में प्रयागराज में उमेश पाल के हत्यारों में शामिल मुख्तार अंसारी के बेटे का ड्राइवर आज मुठभेड़ में मारा गया। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। जो कहा था माननीय योगी जी ने आज वो कर दिखाया। सुदृढ़ कानून व्यवस्था में आज यूपी का चहुमुखी विकास हो रहा है। नागरिक अमन चैन से जी रहे हैं। योगी जी के प्रतापी और तेजस्वी नेतृत्व में रामराज की परिकल्पना साकार तेजी से हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना न भूले। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।